तो मीरू भैया ने हद ही कर दी है। इतने बुरे तरीके से अकबर को डांटा है। उनका भी क्या कसूर, बीमारी तो बड़े बड़े को डिप्रेशन में डाल देती है। तुम्हें क्या हुआ है? कल से इतनी उलझी उलझी क्यों लग रही है? कुछ भी तो नहीं। तुमने एक बात नोट की है, जब से मेरू भैया घर आए ना, मेरे भाई ने एक बार भी इधर का चक्कर नहीं लगाया। एमन, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा क्या क्या हुआ है? उन्होंने कुछ कहा है तुमसे? कहते ही तो नहीं है। तो तुम उनसे बात करके देखो ना, इतनी तो अंडरस्टैंडिंग है तुम दोनों के बीच में। इसी बात का तो दुख है मैं। अगर उन्हें कोई बात बुरी लगी थी तो मुझसे आके कह सकते थे। अंडरस्टैंडिंग है ना हमारी। तुम एक काम करो, ये लो कॉल करो, ना कॉल करके बात करो। रहने दो। आनिया, फिर पकड़ो, मैं तो सोने लगी, मुझे बहुत नींद आ रही है। अच्छा, मैं जाके बालकनी में बात कर लेती हूँ। चूड़ियां रख देना ड्रॉर में। मुंताहा, प्लीज रिलैक्स। आनिया और इमाद वाली बात मैं किसी से नहीं कहूंगा। क्यों टेंशन ले रही हो? आपको अंदाजा नहीं है रोहित, गुलनाज मामी मेरे साथ क्या करेंगे अगर उन्हें पता चल गया तो। वो मेरी जिंदगी और मुश्किल कर देंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, छोड़ो तुम इस बात को बस। फिलहाल तो वो शामिर का एक्सीडेंट भी मेरी मेरी जिम्मेदारी समझती है, जैसे मैंने किया है। ये तो सरासर ज्यादती है इन लोगों की। लेकिन इस बात का ख्याल तुम्हें इतनी रात को क्यों आ रहा है? मैं सोने लगी थी तो बस मुझे आपका ख्याल आ गया। मेरा ख्याल? हाँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे आप और मैं एक ही कश्ती में सवार हैं। आपको भी आपके अपनों ने धोखा दिया और मुझे तो खैर सारे धोखा देते हैं। कम से कम तुम्हें अपने हिस्से की खुशियां जरूर मिलेंगी ममता। फिलहाल तो बस रहने को एक छत मिल जाए, वो ही गनीमत है। मुझे नहीं लगता कि गुलनाज मामी मुझे यहाँ ज्यादा देर रहने देंगे। नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा, सब सब ठीक हो जाएगा। चलो सो जाओ तुम। रोहिल। हाँ बोलो। वो थैंक यू। किस बात के लिए? क्योंकि आपने मेरी बातें सुनी, मुझ पर ट्रस्ट किया। अब मुझे भी ऐसा लगता है कि ऐसा कोई है जिससे मैं खुलकर अपनी बात कह सकती हूँ। थैंक यू। मैं एक बात कहूँ, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। थैंक यू रोहित। गुड नाइट। बाय। तुम सोए नहीं अभी तक? नहीं, लेकिन शायद मेरे नसीब सोने वाले हैं। जिन लड़कियों के पेरेंट्स जिंदा हों उन लोगों के लिए दुआएं करते हो, उनके नसीब इतनी आसानी से नहीं सोते। पेरेंट्स तो तुम्हारे भी जिंदा है ना ममता, तो तुम चले क्यों नहीं जाती उनके पास? अरे क्या हो गया, चली जाऊंगी क्यों? खौफ आता है तुम्हें मुझसे?
मुंता, मैं तुम्हारी बेहतरी के लिए तुम्हें समझा रही हूँ, और तुम भी तो उन्हें मिस करती रहती हो। किसकी बेहतरी किस चीज में, ये तो अल्लाह ही जानता है। एनीवेज गुड नाइट। तुम रोहिल से बात कर रही थी? नहीं, मैं अम्मी से बात कर रही थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तुम्हें कंफर्म करना हो तो लो, फोन करके देख लो। नहीं, रहने दो। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि उनका नंबर भी बिजी जा रहा था। रोहिल मुझसे क्या बात करेंगे और क्यों करेंगे? ऐसे ही शामिर के हवाले से, शायद मैंने ही कहा था उन्हें। आनी, जब तुम झूठ बोलती हो ना तो तुम्हारी आंखें बिल्कुल भी तुम्हारा साथ नहीं देती।